2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार की राजनीति पर डाका डालने के लिए शायद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व कहा होगा, वरना उनकी डबल इंजन सरकार के खट्टर साहब की सरकार में गुड़गांव में इतनी बुरी व्यवस्था क्यों होती। पर्यावरण प्रमुख यहीं रहते हैं और बाकी बड़े बड़े अधिकारी भी, लेकिन सबके आगे पर्यावरण का यह त्यौहार गिड़गिड़ा रहा है। देखिए साथी विवेकानंद की रिपोर्ट। हिंदुत्व और सनातन के सबसे महान श्रद्धा का केंद्र छठ पर्व आ चुका, आस्था का महापर्व छठ हम आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ गुरुग्राम में क्या स्थिति है हमारे पूर्वांचल के लोगों को, उनका अपना त्योहार मनाने के लिए कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर साल आता है ये पर्व और जानकार सरकार जो है इसके लिए हमेशा कुछ न कुछ प्रलोभन के रूप में समझ लीजिए या सहायता के रूप में या सहयोग के रूप में सहयोग करने के लिए बोलती है, लेकिन ये हर बार ढाक के तीन पात क्यों नजर आते हैं। हर बार हमें अपनी ही जेब से खर्चा करके, अपने ही लोगों को मना करके, अपनी ही चीजों को कम करके हमारी श्रद्धा भी उसमें कहीं ना कहीं ठोकर लगती है, जो कि हम कई बार प्रयास करते हैं कि हमारी चीजें अच्छी हो, लेकिन हमें सामान के चीजों के अभाव में हम उसे अच्छे से कर नहीं पाते, जिससे आस्था भी कहीं ना कहीं चोटिल होती है। यहां हम खड़े हैं गुरुग्राम सेक्टर 10 में और नव यंग स्टार सेवा समिति है, जो कि हर साल 11 साल से लगभग ये छठ का आयोजन करवा रहे हैं। और आइए इनसे बात करते हैं कि सरकार दान में इनको देती है, इनका सहयोग करती है, इनके लिए क्या क्या चीजें अरेंज करती है और नगर निगम भी इनके लिए कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है इनके कार्यों में। आइए जानते हैं इन सदस्यों से और करते हैं बात। नमस्कार, मैं विवेकानंद त्रिपाठी लोकल न्यूज ऑफ इंडिया की तरफ। सभी राजनीतिक पार्टियां सहयोग करने के नाम का दिखावा करती हैं, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो केवल दिखावा करती है वोट लेने के लिए कि हम आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। ये पता चलता है इस पावन छठ के पर्व पर इन लोगों का यहां से नदारद रहना, नदारद रहने के नाते यहां पर जो भी हमारे पूर्वांचल भाई लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर सरकार और ये पार्टी के लोग आखिर कब तक जागेंगे और अपने ही धर्म पर हो रही बार बार चोट को कैसे रोकेंगे? क्या ये हिंदुत्व का दिखावा करते हैं या हमारी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं? इनकी तरफ से क्या कार्रवाई, क्या सहयोग होता है, इसको जनता को बताना और दिखाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं उपस्थित रहेंगे तो ये जाहिर होगा कि आप हमारे सहयोग में हमारे साथ हैं। वोट लेने के लिए, केवल राजनीति करने के लिए तुमको इस तरीके से राजनीति के लिए उपयोग करने की कोशिश ना की जाए। आखिरकार जितना बड़ी इतनी बड़ी भीड़ आती है यहाँ पर, इन भीड़ों को यहाँ पर अपने ही लोग होते हैं, अपने ही माताएं और बहनें होती हैं, देवियां होती हैं, और कैसे कैसे इसका प्रोग्राम चलता है, कितने दिनों तक रहता है, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं यंग स्टार सेवा समिति के सलाहकार हूँ। मैं पहले तो मीडिया से आए हुए विवेकानंद तिवारी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने हम लोग को कोई हम लोग को सूचना दी है कि इतना पैसा पास हुआ है, कैसे कहा हुआ है, लेकिन हम लोग को अभी आज तक पता नहीं है। लेकिन मैं सरकार से भी उम्मीद नहीं रखता हूँ, कहा था सरकार के कोई भी कर्मचारी ये छठ घाट पर कोई नहीं आया, न नगर निगम से कोई आया, न हम लोग को कोई सुविधा मिला है, कोई हम लोग को आज तक कोई नहीं मिला है। एक तो रोड लाइट भी है वो भी नहीं लगाया अभी आज तक, कोई सुध लेने नहीं हम लोग को आया, हम लोग अपने पैसे से करवा रहे हैं, मेहनत कर दिन रात इसमें लगे हुए हैं। तो पूजा जो है वो रात में भी रुकते हैं यहाँ पर? यहाँ हम लोग रात भर रुकते हैं। रात में रुकने का पूजा का विधान क्या है, रात भर रुका जाता है क्या? पानी में खड़े होकर, पानी में खड़े होकर के रात भर, हाँ रात भर नहीं, शाम को चार बजे से लेकर के कुछ लोग रात को खड़े होते हैं, कुछ रात को तीन बजे भी आ जाते हैं। तीन बजे जो विधान था, पुराने विधान में तो कितना रहता था, वो तो तालाबों में या नदियों में ही खड़ा रहता था। यहाँ तो अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, इसको लेकर के हम लोग कम थोड़ा सा करते हैं। ये लेकर के हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ सुविधा ही नहीं है। यहाँ रात भर खड़ा होने के पहले तो हम लोग गांव में किए हैं, तो गांव में नदी तालाब ये सब रहते हैं, सब सुविधा उपलब्ध है, वहाँ प्राकृतिक साधन है,
लेकिन यहाँ तो कुछ भी साधन नहीं आया, तो सब देती है आधुनिक साधन है, भौतिक साधन है यहाँ पे। वोट बैंक को लेकर के, वोट बैंक को लेकर के नेता आते हैं, पार्षद आते हैं, जो भी हर पार्टी के लोग आते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? वो तो आते हैं लेकिन कुछ कह करके चले जाते हैं, लेकिन वादा कुछ करते नहीं, वादा करते हैं लेकिन पूरा होता नहीं। मुख्यमंत्री भी आए थे तो कुछ भी बोल के गया कि हम लोग छुट्टी पास करेंगे, सरकारी छुट्टी देंगे छठ घाट के, लेकिन उसके लिए भी नहीं हुआ। फिर कहेगा छठ घाट के लिए भी देंगे जमीन, आप लोग पक्का देंगे या घाट बनवाएंगे, लेकिन आज तो कुछ नहीं हुआ। ये तो कि रोड लाइट भी लगा हुआ था, उनके जाने के बाद वो भी उमल को उतर गया। पर्व जहां पर प्रकृति की पूजा की जाती है, प्रकृति से जुड़ने के सीधे सीधे इस पर्व पर क्या सरकार पेड़ पौधे लगा करके ही प्रकृति से जुड़ने का एक काम है? हमारी धार्मिक आस्था, हमारी संस्कृति भी प्रकृति पर ही आधारित है। प्रकृति को हम जितना सजोए जा रहे हैं, सजोने का नाटक कर रहे हैं, शायद ऐसा लगता है कि प्रकृति भी हमसे धीरे धीरे नाराज होती जा रही है, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्थाएं कहीं ना कहीं चोटिल हो रही हैं। धार्मिक आस्थाओं के लिए जहां पर नदियों का होना जरूरी था, जहां तालाबों का होना जरूरी था, जहां पर संसाधन होने चाहिए थे प्राकृतिक, वो उसकी जगह पर हम मानव निर्मित चीजों से अपना धर्म निर्वाह कर रहे हैं। आखिर सरकार को इन सबको लेकर, पूर्वांचल वासियों को लेकर के क्यों नहीं ये जागरूकता होती है? उनको वोट लेने के लिए उनके पास सारे समय रहते हैं, वो वोट लेने के लिए आते हैं पूर्वांचल के लोगों के पास, लेकिन जो अपना घर द्वार छोड़ करके अपनी सिर्फ धार्मिक आस्था को बचाने के लिए इनसे गुहार लगाते हैं, आखिरकार उनके लिए ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है? आइए हम जानते हैं और इनके बारे में। यंग स्टार सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जेपी कुशवाहा, मैं यहाँ 10 साल से छठ कराता हूँ, छठ होता भी है यहाँ। पिछले 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं इस घाट पे, यंग स्टार सेवा समिति घाट पे, लेकिन इस साल सरकार से कोई सुविधा नहीं मिला, कोई नगर निगम से सुविधा नहीं मिला, कोई फंडिंग नहीं मिला। यंग स्टार सेवा समिति अपने बल से, अपने चंदा इकट्ठा करके या अपने जेब से लगा के यहाँ पे भव्य छठ मनाता है, और हमारे सांस्कृतिक में सबसे बड़ा छठ पूजा हमारे पूर्वांचल के लिए है, सबसे बड़ा पर्व मनाते हैं। ये 3 दिनों का पर्व होता है, इसमें सरकार से हमें ना कोई सुविधा मिला है, ना हमें कोई सरकार से आया है कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिला। ये यंग स्टार सेवा समिति के लोग अपने जेब से, अपने बलबूते से सब कुछ करा रहे हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है प्लस छठ पूजा भी है, हमारा पूरा काम तैयार है, छठ पूजा का पूरी घाटे कंप्लीट है, बिल्कुल हम लोग तैयारी में लगे हैं और तैयार हो चुका है। ये पूछना चाहेंगे कि आपको नगर निगम के द्वारा क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है? कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं मिला है हमें नगर निगम से या सरकार से, कोई सुविधा मिला ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिला। सूत्रों से पता चला है कि कुछ पैसे भी आवंटित किए गए हैं छठ पूजा के नाम पर घाट बनवाने के लिए, कुछ जगहों पर उनसे कार्य भी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास कोई सूचना नगर निगम की? नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है नगर निगम से, कहाँ फंडिंग हुई है, किसको मिला है, यंग स्टार को पता ही नहीं है, अध्यक्ष जी को भी पता नहीं है, और पूरी हमारे कर्जकर्ता और कर्जकारिणी किसी को पता नहीं है, ये कौन पैसे लिया, कहाँ मिला, कैसे मिला, इसके भी इसे हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। अच्छा, हर साल आता है छठ त्योहार और सबको पता रहता है कि हमें सेलिब्रेट करना है, हमें मनाना है अच्छे से त्योहार को, फिर भी हर बार ये लॉलीपॉप सरकार क्यों देती है? देखिए, मैं दयानंद जी, दयानंद कनौजिया, शक्ति पारक, यंग स्टार का कार्यकारिणी ग्रुप से हूँ। यहाँ पे हम लोग 10 साल से मना रहे हैं और ऐसे ही भव्य मनाते हैं। पीछे 2 साल पीछे आए थे मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के, तो वो बोल के गए कि आप लोगों का छठ पर्व बहुत ही पावन है, बहुत अच्छा है, और इसी घाट पे वो अर्घ भी दिए थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा था, तो यहाँ ऐलान करके गए कि आप लोगों के लिए पक्का घाट हम देंगे, जहाँ पे पानी का स्रोत है, हम घाट पक्का देंगे और सारी सुविधाएं सरकार से आपको उपलब्ध होगी। एक छुट्टी देने के लिए बोले थे कि छठ के पर्व के दिन एक छुट्टी भी हम ऐलान करते हैं, छुट्टी भी रहेगा, लेकिन अभी तक छुट्टी भी नहीं का ऐलान कुछ नहीं हुआ और घाट का भी कुछ पता नहीं चला,
और यहाँ पे सब कुछ हम अपने खर्चे से कर रहे हैं। अभी तक कोई नगर निगम का हमारी सुध लेने भी नहीं आया कि कैसे हो रहा है, कैसे क्या चीज की जरूरत है, क्या चाहिए आप लोगों को। कल 2 घंटा के लिए जेसीबी आया था, थोड़ी देर के लिए काम हुआ था, बाकी हमें नगर निगम से कोई भी प्रोवाइड कुछ भी नहीं किया। आस्था और संस्कार के इस पर्व पर हम आपके साथ बने हुए हैं। लोकल न्यूज ऑफ इंडिया पल पल की खबर आपको देता रहेगा। छठ पर्व पर पूर्वांचल के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया की तरफ से, और सरकार से लोकल जो भी इनके नेता हैं, जो भी लोकल के लोग हैं, वो बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और मदद करें, और आस्था और प्रकृति के इस पूजन समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अन्य खबरों के लिए बने रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के साथ। मैं विवेकानंद त्रिपाठी, गुरुग्राम।